behalf of the CMI congregation, let me convey the jubilee greetings to all the missionaries of this Jagdalpur mission, which celebrates its golden jubilee today. With gratitude, we remember all our pioneer missionaries who worked hard to establish the mission here in this area, to work for the development of the people here. We do remember and greet all the present missionaries who continue their work and commit themselves for the welfare of the people of this region. Jubilee greetings to all. Catholic Church परिवार को हम बचपन से देख रहे हैं। ये वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने जा रहा है। वास्तव में हम देखेंगे तो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा, चिकित्सा और जो निर्धन है, असहाय हैं, उनकी सेवा, तो ये तीनों ही क्षेत्र में कैथोलिक चर्च परिवार अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। कैथोलिक चर्च परिवार की तरफ से कई स्कूलें जो शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचालित हो रही है, साक्षी चिकित्सा के क्षेत्र में एमपीएम अस्पताल है और अन्य संस्थाएं हैं और गरीबों की असहाय की सेवा में लगातार एक काम कैथोलिक चर्च परिवार कर रहा है। साथ ही हम देखें तो एक राष्ट्र प्रेम की भावना और सद्भावना को बढ़ाने के लिए सभी धर्म जाति संप्रदाय के कार्यक्रमों में कैथोलिक चर्च परिवार हिस्सा लेता है और विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोगों को आमंत्रित भी करता है, तो इससे एक आपसी भाईचारा, समन्वय सदैव बना रहता है। कैथोलिक चर्च परिवार के 50 वर्ष जो कि बहुत ही सफलतम कह सकते हैं, ऐसा पूरा होने की बहुत खुशी है। संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए स्वर्ण जयंती वर्ष की कैथोलिक चर्च परिवार सहित उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। I wish all the best to the Catholic Diocese of Jagdalpur on their golden jubilee year celebration. They are doing very good work since their starting time. Best of luck. Thank you. अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर अबुल हाशिम खान कैथलिक परिवार की स्वर्णम जयंती के सुअवसर पर उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जगदलपुर में मैं एक कम शब्दों में बताना चाहता हूं कि कैथलिक परिवार 1972 में और इसी वर्ष में एक निर्बल हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें मेरा खुद का भाई पहला बेसर काजी मिर्जा खान वो आज के डेट में आईएल एंड एफएस का सीईओ है इंडिया में। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से वर्क है। मेरे सभी बच्चे पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा मेरा इंजीनियर है, खुद की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एक बच्ची एमबीबीएस है, एक बच्ची साइको में की है, एक बच्ची एमबीबीएस की है सैंडलसी से, और एक बच्ची प्रोजेक्ट डिज़ाइनर है। सब मेरे भाइयों के सब बच्चे निर्मलदालित मेरे भाई और बच्चे पढ़े। मैं खुद महसूस करता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने जो यहाँ प्रयास किया बस्तर ज़िले में, जो उच्च स्तरीय शिक्षा का मापदंड उन्होंने दिया, ये बधाई है और शुभकामनाएँ हैं। ये हमेशा माई लिस्टों का काम रहेगा। मैं ऐसे ही इन लोगों को स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई है, बहुत बहुत बधाई पूरे कैथलिक परिवार। बस्तर जिले में गया मैं तो कहूँ कि पुराने बस्तर संभाग के मंदिर जहाँ तक मुझे जानकारी है कैथोलिक समुदाय की एंट्री हुई थी 1966 लालबाग में, जो पुराने जिला चला था वहाँ पर काम शुरू हुआ था। मैं समझता हूँ उसके लगभग बस्तर जिले में
बस्तर जिला जो संभाग एक ही था, बस्तर जिले में पूरा विस्तारित किया और जो भी काम हाथ में लिया चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का या अन्य किसी भी क्षेत्र में, उसे मुझे मनोयोग से काम करके यहाँ स्थानीय लोगों को भरपूर लाभ प्रयास किया। आज भी कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैं ये हूँ तो किसी यही हूँ कि बस्तर जिले में अभी वर्तमान में बस्तर संभाग के कोई स्थिति संभवतः एक ही इंग्लिश मीडियम कॉलेज है। आज सब लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जगदलपुर जैसी जगह में इंग्लिश मीडियम कॉलेज चलाने की जो साहस किया था ऐसा नहीं सराहना की जाए। आज भी टॉप में है, कोई सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है यहाँ से इंग्लिश मीडियम कॉलेज। इसके लिए मैं तो मैनेजिंग कमेटी है इसकी उनको भी सब साल है सबको बहुत दिल से बधाई देता हूँ। इसी तरह के समाज सेवा में और आगे लगे रहें जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद स्कूल कई मतलब मैं जब तक बोलूँगा तो लगेगा 10-15 मिनट बोल जाऊँ तो भी साफ सुन है ना। एक अपने का जो भी है आपका देवर गाँव में किराई बदल में इस तरह से मैं बहुत सारी यूनिट्स बनी हुई हैं जहाँ आपको डायरेक्ट जाकर के लाभ दे सकते लोग ले रहे हैं और मैं आपको एकदम अच्छे सुखद भविष्य की और अच्छे उसके काम में दे सकता हूँ। मैं बिबियाना हेमरोम हमारी जगदलपुर धाम भवन के स्वर्ण जयंती के अवसर पर पिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यह धाम भवन का विकास चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सेवा कार्य के क्षेत्र में हो, बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। मैं उन महान आत्माओं को स्मरण करती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और उनकी योगदान के द्वारा जैसे कि हमारे स्वर्गीय बिशप मार्क पॉलिनियस, स्वर्गीय फादरगण, स्वर्गीय सिस्टरगण, इनके कड़ी मेहनत दिन और रात ईमानदारी से इनके सेवा कार्य के द्वारा धर्म प्रांत का कलशिया का विकास हुआ है। वर्तमान बिशप, वर्तमान फादरगण, सिस्टरगण, इनके द्वारा भी कड़ी मेहनत की जा रही है तभी यह धर्म प्रांत उन्नति के शिखर में है। मैं इस धर्म प्रांतीय स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इस उत्सव में पुनः पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ तथा धर्म प्रांतीय हमारे स्वर्ण जयंती का आप सबों को शुभकामनाएं अदा करती हूँ। धन्यवाद। बस्तर जिले में जहाँ पे की लगभग 67% आदिवासियों की आबादी है और अंदरूनी इलाकों में यहाँ पर काफ़ी विषम भौगोलिक स्थितियाँ हैं और उस दौर पे कैथोलिक परिवार के द्वारा बकावंड विकास खंड के मारीगुड़ा में विमल विद्याश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है उस विद्यालय को और शिक्षा के क्षेत्र में और प्लस आपका खेलकूद के क्षेत्र में और इसके अलावा वहाँ पे मेडिकल की भी सुविधा है तो एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स इन तीनों के क्षेत्र में विमल विद्याश्रम मारीगुड़ा का बहुत अच्छा योगदान रहा है और उस क्षेत्र में समूचे क्षेत्र में बकावंड विकास खंड के और प्लस आपको जो उड़ीसा का लगा हुआ एरिया है उमरकोट एरिया है, कोडरा है, सिंसारी है, ये जो क्षेत्र लगा हुआ है कुछ माकड़ी विकास खंड का भी एरिया लगा है तो मारीगुड़ा ये एक तो अच्छी बात है कि वो हिंदी मीडियम की का विद्यालय है, हिंदी माध्यम में वहाँ संचालित होती है कक्षाएँ तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आज के इस प्रदेश में हिंदी मीडियम का ग्रामीण अंचल का एक सबसे उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विमल विद्याश्रम मारीगुड़ा की पहचान है पूरे इलाके में। ये इसके लिए कैथोलिक परिवार जिन्होंने जो उसका संचालन कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र। कैथोलिक परिवार के बस्तर में स्वर्ण जयंती वर्ष होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। पिछले 50 वर्षों में आपके कैथोलिक परिवार का बस्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आपके पढ़ाई में बहुत से बच्चे देश विदेश में बस्तर का नाम रोशन कर रहे हैं, इसे तो आपका धन्यवाद, आभार और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बस्तर के विकास कार्यों में कैथोलिक परिवार का पिछले 50 वर्षों से बहुत अच्छा योगदान रहा है जिसके लिए मैं कैथोलिक परिवार को बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी बस्तर के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे
सराहनीय कार्य करते हैं। धन्यवाद। सामने बैठे हैं तो मैं इनको पहले बहुत बधाई दूंगा कर्तिक समाज की जोड़ी के लिए और इनके सराहनीय कामों के लिए। पूरा बस्तर क्षेत्र बहुत ही एहसानमंद है। इन्होंने अपने जो एजुकेशन में अपना योगदान दिया है, मेडिकल में जो अपना योगदान दिया है, इनके जितने भी काम पब्लिक के लिए हैं, जो गरीबों के लिए हैं, उनके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे ऐसा ही काम चल करते रहे और समाज की सेवा करते रहे। ये कैथोलिक समाज का एक सिद्धांत बन गया है कि पूरे समाज की सेवा ही करनी है। मैं आप लोग को गोल्डन जुबली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी मैं ये चाहूँगा कि जो भी आपकी आदित्य क्रियाकल्प है तो एजुकेशन के लिए या मेडिकल के लिए ऐसे ही जारी रहे जिससे कि समाज का भला होता है। कैथोलिक परिवार जो गोल्डन जुबली मना रहा है बस्तर में, बस्तर के आदिवासी अंचल में इन्होंने जो काम किया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधा के लिए जो इन्होंने काम किया है, आज की स्थिति में वो परिवार, वो गांव बहुत आगे तरक्की किया है। इस इलाके का बहुत विकास हुआ है और इनमें बहुत बड़ा योगदान है और आज गोल्डन जुबली के अवसर पर सब इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। खास करके उन ग्रामीण इलाकों के महिलाओं के तरफ से हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को इस संस्था ने बहुत मजबूत किया है, आगे बढ़े हैं और उनके परिवार का पालन पोषण और उनका पूरा परिवर्तन आ गया है उनके जीवन में। इन कैथोलिक परिवार ने जो सहयोग किया उस इलाके इस अवसर पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये अपने निरंतर सेवाएँ ग्रामीण इलाकों में लगातार देते रहे, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत बधाई हो। हमारे मोहल्ले में जब पहले स्कूल खुला है, इस स्कूल का सह उपाध्याय फादर लोग अपने यहाँ आए थे कि इस स्कूल में हम कॉलेज स्कूल खोल रहे हैं आप लोग के भविष्य के लिए और इस कॉलेज स्कूल का हम लोग भाई देखभाल करेंगे। सब लोग जब से आए हैं तब से उनके सेवा में हम लोग को अच्छा ही प्रगति हुआ, ऐसे बात नहीं है, हर चीज़ के लिए प्रगति हुआ, किसी बात के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए हुआ है। हमारे बच्चे अच्छा सहूलियत से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा से आ रहे हैं, अपना भविष्य हम लोग खुद बनवा रहे हैं अपने बच्चे का मोहन में रह के हम लोग को प्रगति दिए थे फादर लोग, उन चीज़ का हम लोग आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद फादर फादर लोग का जो हमारे मोहल्ले के लिए किया। नमस्कार। कैथोलिक डायोसिस ऑफ जगदलपुर ने सन 1972 से लेकर आज तक बस्तर जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। आज यह संगठन अपने विकास के, अपने सम्मान के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इसके लिए मैं समस्त समाज को पब्लिक प्रिंटर्स की ओर से हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं और यह शुभकामना देता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में आपकी सेवाएं यूं ही बदस्तूर बनी रहे। धन्यवाद। वार्म एंड प्रेयरफुल ग्रीटिंग्स फ्रॉम भोपाल ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ द गोल्डन जुबली ऑफ सीएमआई प्रेजेंस इन जगदलपुर मिशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। ऑल द मेंबर्स ऑफ Central Province Bhopal share your joy and with you celebrate the God's grace upon you. May God continue to protect and make you grow in the mission of the Lord. Thank you. Have a nice and beautiful time. Sabko Jai Shu. Hearty congratulations and best wishes as we are celebrating 50 years of CMI presence in Bistar Mission. Stay anointed. Dear fathers and brothers, dear sisters and all the ladies of Eparchy of Jagdalpur, on the occasion of our Golden Jubilee year, I wish you all the best and God's blessings and wishing you also for the future for your mission in Bastar. So Jai Yesu to everybody.